Hello everyone, this is Siddhantika Karki and this is the very first time I'm shooting a vlog and that too of my university, Kalkutia's University. So, abhi main uthi hu, then I'll get dressed, ready okay, fir university chalte hain. Bahut sari cheeze aapko dekhne ko milengi. Let's go. I'm all set to go. Let's leave for the college. यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो लेट्स गो इन. व्लॉग्स में आपको मेरा एक्सपीरियंस, क्लासेस, स्टूडेंट वाइब्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ओके, दिस इज ए व्लॉग एंड बेसिकली आई एम अ लॉ स्टूडेंट. तो यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं लाइक स्कूल ऑफ बिजनेस. तो लेट्स सी दिस प्लेस. चार लिफ्ट्स हैं. यूजुअली ये बहुत क्राउडेड रहता है, बहुत ज़्यादा, यू कैन नॉट इवन सी द लिफ्ट्स. बट आज नहीं है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पर. एवरीबडी इज इन द क्लासरूम. सो लेट्स. सो फाइनली वी आर इन द स्कूल ऑफ लॉ. यहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं एंड मेरी क्लास में 62 स्टूडेंट्स, आई गेस 65 प्लस, आई डोंट नो द रेंज. सो दैट्स माई क्लासरूम. एंड आज तो कोई नहीं है बिकॉज एग्जाम्स चल रहे हैं इस ब्लॉक में एंड अदर क्लासेस आ रहे हैं. यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, यू कैन सी द टाइम टेबल्स. और यहाँ पे हमारे कॉलेज में मूड बोर्ड भी है, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर लॉ स्टूडेंट्स. एंड हमें फर्स्ट ईयर में ये प्रिविलेज मिल रही है, सो इट्स लाइक वेरी गुड. यहाँ पे हम लोग के जब ब्रेक्स वगैरह होते हैं तो हम यहाँ पे चिल आउट वगैरह करते हैं फ्रेंड्स के साथ. एंड यहाँ पे से व्यू बहुत अच्छा आता है, यू कैन सी बी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, सी ब्लॉक आल्सो. तो लेट्स सी. माय एग्जाम्स आर नियर, तो मुझे कुछ बुक्स लेनी है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी चलते हैं. कॉलेज में एटीएम होता नहीं है बट यहाँ है. ए ब्लॉक में आपको अकाउंट्स ऑफिस, डेटा सेंटर एंड बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे एंड डीन्स ऑफिस हर डिपार्टमेंट के आपको उस डिपार्टमेंट में ही मिलेगा. यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और हमें नहीं पता कि कहाँ है कौन. तो अगर हम फ्रेंड्स को मिलना होता है तो इस जगह पर, ए बी के बीच वाली जगह, यहाँ पर हम बुला लेते हैं. ये हमारा कैफेटेरिया है और यहाँ हम क्लास के बाद आते हैं और कभी कभी क्लास छोड़ के भी. हमारे कैफेटेरिया में हर तरीके का खाना मिलता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एवरी फूड, इटालियन, चाइनीज, हर चीज़. तो
फोरेंसिक ये सारी क्लासेस होती हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम एज ए ब्लॉक। I'll tell you my experience. यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बट आई टेल यू पर्सनली माई। सो पहला क्लब वो है गलगोटियाज मैनेजमेंट टीम, सेकेंड इज स्टेज मैनेजमेंट टीम, कैम सर्कल, लिंगो फ्रीक्स एंड सो ऑन। सो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बट आई वेंट फॉर गलगोटियाज मैनेजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट, लिंगो एंड कैम सर्कल। And then I was knowing all these things. फिर freshers की बात आई, freshers, और उसमें फिर पता चला Mr. and Miss freshers, तो हमने Mr. and Miss freshers के auditions भी दिए and मेरे बहुत friends भी थे। I went for the auditions and I got selected. First round हुआ, second round हुआ and the day came. 22nd of October the freshers happened and it was so amazing. All the seniors took responsibilities, different clubs took different responsibilities, like GMT took all the management work, SMT took all the stage work and Camp Circle for the videos and photos. So it's like really good, and I went for the auditions and I got selected and I won Miss Freshers. Sorry for that, but it's like very good here. अभी तक मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, नाउ आई शो यू अराउंड। राइट हैंड पे बी ब्लॉक का ग्राउंड है, सो पीपल चिल अराउंड हियर, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड इज द फुटबॉल ग्राउंड एंड प्रैक्टिस ग्राउंड, एंड इस ग्राउंड को मिल्खा सिंह ग्राउंड भी बोलते हैं। अभी हम चलेंगे थोड़ा बॉयज़ हॉस्टल के बाहर, वहाँ से फिर मेस भी है। दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइक स्मार्ट लॉन्ड्री, गेमिंग रूम, डांस रूम, म्यूजिक रूम, जिम एंड वेंडिंग मशीन्स टू हैव स्नैक्स एट नाइट। I hope you like the video. So to sum it all, let's talk about all the things you should know before joining the university. Our university is somehow far, that is 15 kilometers from Pari Chowk, but you can easily get an auto from there. Aur do hostels hain, ek Galgotia's university mein hai boys hostel aur dusra girls hostel jahan main rehti hu, wo hai Galgotia's college campus mein. वैसे हर कोई कॉलेज ज्वाइन करने से पहले उसकी प्लेसमेंट्स चेक करता है कि कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं हैं। तो एक तो लोग सुन के करते हैं, दूसरा मैंने यहाँ खुद आके जज किया है, यहाँ पे कॉलेज ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है एंड आई यूनिवर्सिटी इज आल्सो फॉलोइंग ऑल द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। और सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डराता है वो है 75% अटेंडेंस।
75% मतलब 75, इवन 74 डजंट काउंट, वरना आप डिबार्ड हो जाते हो. सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड क्लासेस.